सो गाइस, तो अगर आपको ये पैसों कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी आ गई है और वैसे में अगर आप लोन लेना चाहते हो और आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया और बैंक के भी चक्कर काट लिए, लेकिन दोस्तों ना आपको किसी लोन एप्लीकेशन के द्वारा लोन दिया गया, ना आपको किसी बैंक से आपको लोन मिला, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन को लेकर आया हूँ जहाँ से आप ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के ही बेस पर आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन मिलेगा। दोस्तों यह जो लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, यह आपको ओनली फॉर पैन कार्ड आधार कार्ड से आप KYC करो और आप यहां से लोन ले लो अपने बैंक अकाउंट में विद इन 2 मिनट्स के अंदर में। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ ऐसे ही लोन एप्लीकेशन के तलाश में, तो दोस्तों तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के अंदर ओनली फॉर पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर आपको यहां पर लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसा फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाता है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का। तो यहाँ से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों अब आपको इस लोन एप्लीकेशन को यहाँ से परमिशन देना है। तो परमिशन देने के लिए नीचे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे यहाँ पे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपको वहां से परमिशन दे देना है। उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर पहले ही बता दिया जाता है कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप यहां से मैक्सिमम 45,000 तक आप यहां से लोन ले सकते हो। दोस्तों यह जो लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, यह इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, और यहां से आपको इमरजेंसी में ही आप यहां से लोन ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप मैक्सिमम आप यहां 45,000 तक का लोन ले सकते हो दोस्तों, काफी अच्छा लोन एप्लीकेशन है। तो अब आपको लोन लेने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, यहां लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहां से आप लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो देख सकते हो इंटर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहां पे बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे वो गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से वो गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहां से आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आप जो भी फोन नंबर दोगे उस मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी, ओटीपी इंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक दोस्तों। उसका दोस्तों आप देख सकते हो कि इस लोन एप्लीकेशन का वो टर्म एंड कंडीशन यहां पे आपको देखने को आ जाएगा कि आपको कैसे लोन अप्लाई करना, सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहां से आपको एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहां से आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि आपको लिमिट ऊपर बता दिया जाएगा कि आप कितना का लोन ले सकते हो। दोस्तों देख सकते हो मेरा लिमिट ऊपर बताया जा रहा है कि मैं यहां से 1,000 से लेकर 45,000 के बीच में मैं यहां से लोन आप ले सकता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर बताया जा रहा है कि 100% पेपरलेस के साथ आप यहां से मतलब लोन ले सकते हो। यहां पर देख सकते हो 100% पेपरलेस प्रोसेस के साथ आप यहां पर लोन मिलेगा। और यहां पर आप नीचे देख सकते हो, नीचे आपको 3 ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। 10 मिनट के अंदर में आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से पैसा चला जाएगा और रिपेमेंट भी आपका ऑटोमेटिक आपके यहाँ से होता रहेगा। तो वो करना क्या पड़ेगा, कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वो कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों फिर आपके सामने स्टेप इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा KYC इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ से वो KYC इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप KYC इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने स्टेप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो अब आपको KYC करने के लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आप क्या चीज से KYC करना चाहते हो, अपना वीडियो मतलब अपना देकर KYC करना चाहते हो, या आधार कार्ड को वेरीफाई करके अपना KYC करना चाहते हो, या पैन कार्ड को वेरीफाई करके अपना KYC करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड से करना चाहूंगा, दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। उसका दोस्तों नीचे यहां पर आप देख सकते हो पैन कार्ड भी उसके साथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका नीचे वो सीधे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। उसका दोस्तों यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। उसका नीचे वो सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां सब सेंड OTP वाले ऑप्शन में दोस्तों क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो OTP इंटर करके आपको यहां से सबमिट कर देना है। जैसे वहां सब सबमिट कर लोगे, उसका दोस्तों आपका KYC डिटेल्स यहां से अपना ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका KYC वेरीफाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं यहां से अपना KYC को वेरीफाई कर लेता हूं, तो आप भी अपना वेरिफिकेशन KYC यहां से कर लीजिएगा। उसका दोस्तों जैसा आपका KYC यहां से वेरीफाई हो जाएगा, उसका दोस्तों आपका नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब आपको यहां से अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या करना है, दोस्तों आपको करना क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर देख लो मेरा सभी कुछ यहाँ से फिलअप है। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देना है। तो बेसिक डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपना
फर्स्ट नेम इंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पे अपना मिडिल नेम यानी कि दोस्तों आपका मतलब जो भी नाम होगा फिर से वही नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद नीचे आपको लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख लो यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो या फीमेल हो वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डाल देना है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या, आप सिंगल हो या मैरिड हो वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा आना, नीचे आने का दोस्तों आप थोड़ा नीचे चलते उसका दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आप पूछा रहा है कि आप किस टाइप का जॉब करते हो, प्रोफेशनल करते हो, इस वजह से क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मास्टर हो या प्रोफेशनल जिस टाइप का जॉब करते हो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे अपने फादर का नाम यहाँ पे इंटर कर देना, मदर का यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। उसका नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपका यहाँ पे ये भी अपना वेरीफाई हो जाएगा, जो देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि बेसिक डिटेल्स भी आपके यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर ऊपर आपको देखने को आ जाएगा और नीचे आपका मोबाइल नंबर देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर आप यहाँ पे आ जाओगे जो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आपको अपना एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है, आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है, उसका पिन कोड यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर यही सेम एड्रेस पर अभी आप रहते हो तो वही आपको यहाँ पे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो दोनों बॉक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपको सीधा फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना। जैसे दोस्तों आप वहाँ से नेक्स्ट कर लोगे उसका दोस्तों आपका देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका 100% यहाँ से हो जाएगा। अब आ जाता है इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ठीक है, तो आपको इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपको अपने कंपनी का यहाँ पे नाम इंटर कर देना है, उसका आपका कंपनी एड्रेस आपका जो भी होगा आपको दुकान का नाम वहाँ पे पिन कोड इंटर करके आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ मैं अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप भी अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों जैसे अपना इंप्लॉयमेंट टाइप वहाँ से अपना ये कर लोगे दोस्तों उसका आपका नीचे आ जाता है टेक ए सेल्फी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना टेक ए सेल्फी वेरीफाई करना है दोस्तों, तो टेक ए सेल्फी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टैब फोर ए क्लिक वाला ऑप्शन देखने को आएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ से परमिशन दे देना है। जैसे यहाँ से परमिशन दे दोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल का यहाँ से कैमरा ओपन हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो एरो देखने को आ रहा है तो यहाँ से आप अपना एक अच्छा से यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना सेल्फी यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, तो आप भी अपना सेल्फी यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको अपने बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है, तो बैंक अकाउंट का यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है हो चुका है मेरा वेरीफाई दोस्तों, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट करोगे उसका दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट को यहाँ पे मतलब ऑप्शन देखने आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड इंटर करना है, अकाउंट नंबर इंटर करना है, एंड फिर आपको वहाँ पे अपना अकाउंट का कन्फर्म अकाउंट नंबर वहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर जैसे ही कर दोगे तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, जो देख सकते हो वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप उस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको देखने को आ जाएगा। अब आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे कन्फर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ सब सीधा कॉन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे वहां से आप कॉन्फर्म वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपको जो लोन ले रहे हो दोस्तों आपका क्या है, मतलब क्यों लोन लेना चाहते हो वो अपना सेट कर लेना है। मोबाइल रिचार्ज लेना चाहते हो, इंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हो, शॉपिंग के लिए, फूड के लिए लेना चाहते हो या अदर के लिए लेना चाहते हो, दोस्तों मैं बोलूंगा आप अदर ही सिलेक्ट कर लेना, बाकी आपका जो भी रीजन होगा वो अपना सेट कर लीजिएगा। उसका आप जो भी अपना रीजन सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर लीजिएगा, उसका सीधा आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पे मतलब फोर चेक ऑफ बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो देख सकते हो कि चार चेक बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इन चारों में टिक लगा के आपको नीचे आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन यू लोन हैज बी अप्रूव्ड, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा व्यू कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से आपको व्यू कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से व्यू कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को आ जाएगा, तो आपको लोन एग्रीमेंट यहाँ पे आपको सभी कुछ को यहाँ से बारीकी से पढ़ लेना है। अगर आपका ये सभी कुछ अगर आपको लगे सभी कुछ सही है दोस्तों, तो यहाँ से आपको एग्री का नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना लोन एग्रीमेंट यहाँ से साइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं अपना लोन एग्रीमेंट यहाँ से साइन कर लेता हूँ। उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 5271 पर मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर दिया गया और मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ रहा है, तो ओटीपी इस बॉक्स में इंटर करके आपको ऑटोमेटिक आपके यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं अपना ओटीपी यहाँ पे इंटर कर
लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप ओटीपी इंटर कर लोगे उसका दोस्तों आपका लोन अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो, मेरा 5271 रुपये मुझे यहाँ पर लोन ऑफर किया गया और मेरे पास ओटीपी जैसे मतलब इंटर कर लिया उसके यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर टू योर मतलब अकाउंट इन योर अंदर प्रोसेस, यानी कि दोस्तों मेरा अकाउंट नंबर भी नीचे देखने को मिल चुका है और दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है जो मेरा लोन अमाउंट है वो अभी अंदर प्रोसेस में दोस्तों और ये मुझे यहाँ पे कुछ ही देर में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको मैक्सिमम यहाँ से 10 से 12 मिनट समथिंग यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, 10 से 12 मिनट जैसे आप यहाँ से वेट कर लोगे उसका दोस्तों आपको मतलब बैंक अकाउंट में यहाँ से अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। तो आप भी जाकर इसी प्रकार से इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, काफी सिंपल इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई करना। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस लोन अप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस लोन अप्लीकेशन का नाम है एमपोके इंस्टेंट लोन ऐप का, जो काफी अच्छा लोन अप्लीकेशन है और इसको इमरजेंसी लोन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यह इमरजेंसी लोन ही यहाँ पे देता है, अगर आपको लोन की काफी ज्यादा जरूरत हो गई और आपको पैसे अगर काफी ज्यादा अर्जेंट हो गई है दोस्तों तो आप जाकर यहाँ से लोन अप्लाई करो दोस्तों, यहाँ से वो काफी जल्दी यहाँ पे लोन मिल जाता है, काफी मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर में ही आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो आप जाकर एम पॉकेट लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको एम पॉकेट लोन अप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपको जितना एम पॉकेट लोन देता है उतना उससे मतलब अधिक लोन की आपको जरूरत है दोस्तों, अगर आपको मिनिमम 5000 लोन की जरूरत है और आपको मैक्सिमम अगर आपको 1,00,000 लोन का जरूरत है दोस्तों, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा, तो आप उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको मिनिमम 5000 के लोन दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको 1,00,000 तक का लोन दिया जाएगा, और वो जो लोन अमाउंट दिया जाएगा दोस्तों वह ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। वहां आपको उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इनकम प्रूफ कोई भी सैलरी स्लिप आपको अपलोड नहीं करना है, वहां भी आपको केवाईसी करना है और वहां आपको मिनिमम 5000 लोन मिलेगा और मैक्सिमम आपको वहां से 1,00,000 तक का लोन मिलेगा दोस्तों। मैंने 2024 का सबसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने उसमें दे रखा है, तो आप भी जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।